शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है अकर्मणीयता से गुणों का नाश। नदी की अनेक धाराएं बहती जा रही थी। अचानक एक आम का वृक्ष आने पर एक धारा वहां ठहर गई तो दूसरी धारा ने उस अपनी बहना को समझाते हुए कहा, आप रुक क्यों गई? यही तो हमारे जीवन की गतिशीलता है, इसी में ही हमारी पवित्रता है। तब उस पहली धारा ने कहा कि मैं अब इस जीवन से उब गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि हमें विश्राम करने के लिए समय ही नहीं मिलता, मेरा अभी आगे जाने का इरादा नहीं है। तब फिर से उस धारा ने समझाने का प्रयास किया कि गतिशीलता जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी स्वच्छता, पवित्रता, स्वस्थता है। अगर तुम्हारे जीवन में अकर्मणीयता ने स्थान ले लिया तो तुम अपने स्वाभाविक गुणों से हाथ धो बैठेगी। फिर भी उस पहली धारा ने सुनी अनसुनी कर दी और वहीं ठहर गई, आम के वृक्ष के निचले स्थान में। धीरे धीरे उसने सरोवर का रूप लिया और आगे चलकर उसमें काई जम गई, गंदगी आने लगी, यहां तक कि लोग जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे वो भी उन्होंने बंद किया। कपड़े धुलाई करने में भी वो पानी काम नहीं आता था, यहां तक कि जानवरों के लिए भी वो पानी काम का नहीं रहा। इस प्रकार से जीवन का अस्तित्व ही गतिशीलता में है। हमेशा याद रखें, कहानी से हमें यही बोध मिलता है कि जीवन प्रवाह के अंदर भी हमें आगे बढ़ते रहना है, बहते रहना है, कहां भी ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। क्योंकि ठहरना, रुकना, इसका मतलब हमारे उन्नति के द्वार हमेश के लिए बंद हो जाते हैं। ये सदैव याद रखें। ओम शांति।